हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डिवीज लैब के ऊपर। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, हम लोगों को एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो हम लोग इन डिटेल में आपको डिस्कशन करने वाले हैं किस लेवल पे हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवीज लैब के हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, स्टॉक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन लेवल में था, एक बहुत ही जो है ऑलमोस्ट आपको 2 मंथ एक लेवल के राउंड कंसोलिडेट किया है। और अगर हम लोग इस लेवल को देखेंगे तो 4378 का लेवल नीचे की साइड, ऊपर की साइड जो है आपको 4600 का लेवल। इस लेवल में स्टॉक ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंसोलिडेट किया है। मार्च के मंथ में हाफ ऑफ द मार्च मंथ आपको कंसोलिडेट किया, कंप्लीट आपको अप्रैल यहां पे कंसोलिडेट किया है, और उसके बाद फाइनली मई में यहां पे आपको ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद आपको एक जो है इनसाइड कैंडल बनाया, वापस से गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे नीचे की साइड एक अच्छा मोमेंटम हुआ। अभी करंटली अगर यहाँ पे देखेंगे, स्टॉक एक पुलबैक फेज में है। यहाँ पे इसके बाद हम लोगों को एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो इसीलिए जो है हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन लेवल ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद वापस से आपको स्टॉक जो है रिटेस्ट करने जा सकता है इस लेवल को, उसके बाद जो है यहाँ पे एक अच्छा हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है और गैप जो है आपको सपोर्ट या रेसिस्टेंस की तरह भी काम करता है, तो इसलिए जो है हम लोगों को एक बहुत ही अच्छे लेवल के अराउंड ये ट्रेड मिल सकता है। अब बात करते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट में हम लोग इस स्टॉक इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने डेली चार्ट में देखा, आपको नीचे के लेवल से एक अच्छा मोमेंटम लास्ट के 2 डेज से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड एक अच्छा मोमेंटम हुआ है, कुछ इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट फॉल का जो है क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है, एक पुल बैक यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि अगर स्टॉक को हम लोग ऊपर जाते हुए देखेंगे, यहाँ पे अप साइड में स्टॉक जो है आपको एक अच्छे मोमेंटम के साथ नहीं गया है, स्लो एंड स्टडी ये आपको ऊपर की साइड यहाँ पे ट्रेवल किया है। ऊपर की साइड यहाँ पे देखेंगे 4300 के ऊपर जो है 4350 ये एक गैप भी है, और गैप जो है आपको एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे साथ ही साथ, आज सेकेंड हाफ में स्टॉक इस लेवल के अराउंड बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया है, ऑलमोस्ट आपको मोर देन 3 आवर के अराउंड इसी लेवल पे ट्रेड किया है। यहाँ पे ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है, तो अब हम लोगों का यहाँ पे क्या प्लान होना चाहिए? हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, अभी इमीडिएटली हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर स्टॉक 4250 के लेवल के नीचे आता है, इस लेवल के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है, तो ही हम लोग यहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं। क्योंकि अगर 4350 के लेवल के नीचे आएगा तो ये एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा, वापस से आपको यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जोन हुआ है वो भी ब्रेक होगा, और ऊपर में जो गैप है वो भी आपको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरह अभी काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पे स्टॉक को नीचे आना होगा तो इस लेवल के नीचे आएगा, उसके बाद ही मोमेंटम आपको शार्प होगा। तो 4250 के लेवल के नीचे हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम के लिए। इस लेवल के नीचे अगर आता है, हम लोग इमीडिएटली आपको 4300 के एसएल के साथ यहाँ पे जो है हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, और हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप टारगेट जो है वो 1:2 का होगा। तो हम लोगों का टारगेट यहाँ पे 4150 के लेवल के अराउंड का होगा, 4150 4100 ये दो टारगेट के लिए हम लोग देखेंगे। लेकिन पहला टारगेट जो होगा वो हम लोगों का होगा 4150 का, जहाँ पे कि हम लोगों को 1:2 का टारगेट मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको क्लियरली ध्यान रखना है, यहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल 4250 के नीचे क्लोज होने दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। 4300 का हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है, टारगेट 4150 का होने वाला है। जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक आपको यहाँ पे ट्रेड में जंप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। मे बी ये गैप फिलिंग के लिए भी जा सकता है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे मॉर्निंग में ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो दोनों ही केस में आपको यहाँ पे वेट करना है पेशेंस के साथ, 4250 के लेवल के नीचे ही शॉर्ट करना है। 4300 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो है 4150 का होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेवल्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।